ये सब छुछुंदर लोगों का काम है। देखिए क्या क्या लिखा है, ये सब देखिए, ये सब छुछुंदर और छुछुंदरी का काम है। जब क्या क्या लिख दिया, दिल के जगह दीवार पर लिखता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। देखिए बेरोजगार लौंडा, कोई काम नहीं मिलता है तो दूसरे के काम में बिजी है, दही लाने, फिर भी दूसरे के काम को ही करके खुशी मिलता है। खुद का कोई काम नहीं है। और देखिए अभी मुंगेर का सैर करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और इस रास्ते से होते हुए सफदरपुर जंक्शन को क्रॉस कर चुके हैं। है देखिए, ये मुंगेर पुल है, इधर मुंगेर घाट है जो मुंगेर राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। मुंगेर पुल का सैर आप सभी को कराते हैं, कभी आप लोग मुंगेर पुल का सैर नहीं किए होंगे। देखिए ये सभी मुंगेर यात्री हैं। मुंगेर तो प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। है देखिए गंगा घाट है। हाँ देखिए सेल्फी ले रहा है, सेल्फी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हम कर रहे हैं अपने मुंगेर पुल, जो कि बिहार का नामी गामी पुल है, और आपको दिखाएंगे वहाँ तक। मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है क्योंकि वहाँ बहुत शोर शराबा है, गाड़ियाँ बहुत चल रही है। तो इधर भी दिखाइए, दिखाइए इधर पूरा। और ये है पूरा साफ सुथरा गंगा नदी का पानी, और इस तरफ है सफदरपुर जंक्शन जो आप देख रहे हैं, वो लाल सा बिल्डिंग जो नजर आ रहा है छोटा सा, वही है सफदरपुर। गाइज वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हमें बिहार के मुंगेर पुल से, जो कि हाल ही में एक साल पहले निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है, तो आज आपको दिखाते हैं। चलिए कितना अच्छा विकास हुआ है इधर, वो बेगूसराय से जोड़ने वाला है मुंगेर, मुंगेर का पुल जो कि बेगूसराय और खगड़िया को जोड़ता है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रीमे में रह गया। जैसे नीतीश कुमार का सत्ता हिलता है, वैसे ही पुल हिलता है। हाँ थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, हम भी देख रहे हैं। देखिए आप लोग को दिखाएंगे, चलिए हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस देख सकते हैं कितना मस्त पुल बना है, अभी नया नया उद्घाटन हुआ है कुछ दिन पहले, एक साल पहले। और इधर देखिए, इधर रेलवे लाइन पूरा यहाँ से वहाँ तक, और इधर गाँव है। हाँ देखिए पुल, पुल है और का पुल है। तो गाइस चलते हैं आगे और नजदीक से आपको दिखाते हैं उधर जाकर। चलिए चलते हैं उधर और पानी उनी दिखाते हैं ऊपर से गंगा का, एकदम गंगा नदी भी बगल में ही है। आप लोग में से कितना लोग मुंगेर को जानते हैं, कमेंट में, कमेंट में लाइक और कमेंट करके भर दीजिए। पहले जानेंगे तब ना लाइक करेंगे, पहले बताओ कुछ मुंगेर के बारे में, क्या खासियत है मुंगेर का, क्योंकि बहुत सारे आदमी यहाँ पर मतलब बहुत सारे पुण्य का काम नदी किनारे करने आते हैं, जैसे कि मुंगेर हो गया। देखिए मुंगेर तो फेमस है नदी से, और उसके बाद यहाँ के लोग हर घर में गए आज के कुछ साल पहले। अच्छा, लेकिन कुछ सुधार आया है, हमारे और आपके ऐसे लोग यहाँ आए हैं समझदार, लेकिन अभी भी गांव ऐसा ही है। देखिए गांव इधर। और ये गाइस ये रेलवे लाइन जाता है वहाँ, सफदरपुर जंक्शन है उधर, और इधर मुंगेर है।
देखिए आप लोग बताइए लोग किसका गांव हो सकता है, थिंकिंग करिए। है देखिए वो भैंसिया चल रहा है, देखिए इतने बड़े शहर में मात्र दो सिर्फ आशिक। उठाते हैं अपना बाइक और चलते हैं, आपको दिखाते हैं उधर थोड़ा सा अच्छा अच्छा नजारा। ये अपना बाइक इधर लगाए हैं और चलिए निकलते हैं। अब गाड़ी घुमा लिए हैं, थोड़ा गाड़ी दोनों तरफ से आ रही है तो दिक्कत हो रही है गाड़ी घुमाने में, फिर भी प्रयास कर रहे हैं घुमाने का। चलिए गाड़ी घुमा लिए हैं, कभी मुंगेर तो आए नहीं होंगे, अगर आए होंगे तो ये पुल जरूर देखे होंगे, फिर भी आपको विजुअल के माध्यम से ये पुल का शेयर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और हम लोग के आसपास के इलाके का छोटा सा घूमने का जगह भी केंद्र बन गया है, जब मन ना करे तब बाइक उठाओ और मुंगेर की तरफ मुंह मोड़ दो। देखिए नदी भी आपको लोग को दिखाएंगे आप सभी को, ये सब छुछुंदर लोगों का काम है, देखिए क्या क्या लिखा है, ये सब देखिए, ये सब छुछुंदर और छुछुंदरी का काम है, जब क्या क्या लिख दिया, दिल के जगह दीवार पर लिखता है। आप लोग को दिखाते हैं, ऐसा काम आप लोग नहीं करिए अगर करते हैं तो गाइस देखिए यही है हमारा मुंगेर पुल, और इधर है गंगा नदी, जो नदी तट पर देख लीजिए इधर, और साइड से भी थोड़ा देख लीजिए। और ये देख लीजिए बहुत से आदमी यहाँ पर नहा रहे हैं, गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, और इधर नाव भी छोटा सा चल रहा है। तो गाइस अब चलते हैं, पुल तो आप लोग देख ही चुके हैं, अब चलते हैं जो काम हम लोग लिए थे अपने जिम्मेवारी पर, अपने मतलब धंधे पर, उसको करने का अब टाइम आ चुका है, तो हमें लेना है अभी 5 kg दही, तो चलते हैं अब दही लाने के लिए बाजार। हाँ आप लोग भी तैयार हो जाइए, इसका शादी होने वाला है। ना 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 गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए दही का व्यवस्था हो गया है, बोलता ही रहेगा, तो चलिए चलते हैं अब दही लाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। चलिए तो चलिए अब चलते हैं। गाड़ी फंस चुकी है गाइस, फोर व्हीलर चलता है लेकिन आज तक रोड नहीं बन पाया है अभी तक। चला रहा है, खचका रहा है, हाँ देखिए ये चक्कू आ रहा है, इतना बिजी रोड रहने के बावजूद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। है देखिए पाउडर, हम लोग तो पाउडर लगाया कर नहीं आए, तो पाउडर रास्ते वालों ने लगा दिया। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं दही दुकान के पास, अब चलिए बाइक लगाते हैं और लेते हैं दही अपना और फिर चलते हैं घर। तो फाइनली 12.5 kg दही ले लिए हैं, अब चलिए चलते हैं घर की तरफ, बहुत लेट हो गया है। ये दही ले लिए हम लोग और जा रहे हैं, ये गड्ढा है, रोड है, ये रेला है, ये बिल्डिंग है, इधर मंदिर है, ये स्कूल है, स्कूल के बगल मंदिर है, विद्या प्लस मंदिर, देखिए पेट्रोल पंप, बराती बिहार का रोड है, बिहार के गांव का रोड है। देखिए यही पुलिया के अंदर जाना है, तो निकल गए एक पुल से और एक पुलिया और बचा है, लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।